बचपन बचाओ आंदोलन सामाजिक संस्था की ओर से विदिशा जिले के गंज बासोदा के सिटी थाने में बाल थाने का शुभारंभ किया गया। पुलिस बाल कल्याण अधिकारी इस थाने की कमान संभालेंगे। बढ़ते बाल अपराधों की रोकथाम के लिए जिले के प्रमुख थानों में सामाजिक संस्था की मदद से बाल थानों का शुभारंभ किया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी इस संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की मदद से नगर में भी बाल थाने उद्घाटन पुलिस कप्तान द्वारा किया गया। इस आयोजन में जिले के समाज सेवी, गणमान्य नागरिक, जिले के SDOP और थाना प्रभारी शामिल हुए। बचपन बचाओ आंदोलन के जिला कार्यक्रम प्रभारी उमेश शर्मा का कहना है कि संस्था का प्रमुख उद्देश्य बाल मजदूरी एवं बाल शोषण के खिलाफ आवाज उठाना है। बच्चों में बढ़ती नशे की लत के कारण भी उनका बचपन बर्बाद हो रहा है। नशे से ग्रसित बच्चों के भी काउंसलिंग संस्था करती है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा का कहना है कि पुलिस बाल अपराधों के प्रति सजग है। किसी कारणवश अगर बच्चा थाने आता है तो बाल थाने में स्वस्थ माहौल प्रदान किया जाएगा। बाल थाने में आयोजित कार्यक्रम में योगेंद्र कटियार, मुकेश सिंह, नीता सिंह और अमृता चौरसिया भी उपस्थित थी। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मजदूरी जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 14-18 वर्ष से कम बच्चों की बाल मजदूरी के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनमें वो बच्चे मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ शर्त यह है कि वो बच्चे वो जिसके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं उसको स्कूल भेजना है। वो दिन भर में 2-3 घंटे ही मजदूरी करा सकते हैं, जिसका पालन सरकार को कराना चाहिए। वो करा नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चे उसे स्कूल भेजें, वो क्योंकि एकदम तो वो हटते नहीं है वहाँ से, स्कूल भेजने के प्रयास। आज 7 नवंबर के दिन थाना बसोदा शहर में आज बच्चों बचाओ आंदोलन के सहयोग से और उनके प्रयासों से आज बसोदा थाने में एक बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसकी उपयोगिता दो तरह से है। सबसे पहले यदि विवादित बालक जो होते हैं उनको कई बार नीड ऑफ ऐसे माहौल की होती है जहां उनसे शांति से बातचीत की जाए और वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रक्रिया से इंटिमिडेट ना हो जाए। साथ ही साथ कई बार फरियादियों के साथ कई ऐसे बालक बच्चे आते हैं जिनका थाने में उपस्थित रहना, जहाँ अन क्रिमिनल्स का भी अरेस्टिंग के बाद आना जाना होता है, कई अलग किस्म के लोगों का आना जाना होता है, उचित नहीं रहता। तो ये उनको एक स्पेस देता है और एक जगह देता है, जगह के साथ साथ उनको पढ़ने किताबें, खेलने के लिए खिलौने, मोर सपोर्टिंग माहौल देता है जहाँ कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर एक्सीडेंटली भी ना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।